तकलीफ बना दूंगा और आप मुझे सलाह देना। तो सिद्धार्थ ने कहा था कि मुझे सबकी जरूरत नहीं है, मैं खुद अपना राज्य छोड़ के आया हूँ। तो फिर राजा ने क्या कहा था कि जब क्या मुझे वादा कीजिए कि जब आपको अपनी सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो आप मेरे राज्य में आएंगे और मुझे और मेरे लोगों को क्या करेंगे, उस ज्ञान को प्राप्त कराएंगे। सिद्धार्थ स्माइल ऑनेस्टली एंड प्रॉमिस। सिद्धार्थ जो थे उन्होंने बहुत ही गंभीरता पूर्वक मुस्कुराए और प्रॉमिस किया। ही रिमेंडेड राजगृह फॉर सम मोर डेज मेडिटेटिंग। वो उस राजगृह में कुछ दिनों तक रहे मेडिटेटिंग, मतलब बहुत ही गहरे ध्यान में रहे। देन ही लेफ्ट टू बिकम द डिसिपल ऑफ अलारा कालम। उसके बाद उन्होंने उस समय को डिसिपल ऑफ अलारा कालम की जगह को छोड़ दिया, एक फेमस टीचर। ही लर्न एवरीथिंग दैट दिस टीचर हैड टू टीच हिम बट वाज नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन वो समझ गए थे कि टीचर जो है ये उनको सिखा रहा है लेकिन वो संतुष्ट नहीं है। ही वेंट टू अदर टीचर, वो दूसरे लोगों के पास, दूसरे टीचर के पास गए। दे वर ऑल वेरी इंप्रेस्ड विद हिज काम। और जो लोग थे वो उनकी उस शांति को देखते बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हुए। डिग्निफाइड बिहेवियर एंड अच्छा ऑर्डनरी एटीट्यूड रहा। और जो उनका डिग्निफाइड बिहेवियर था, उनका साधारण योग्यता थी, उसको देखते लोगों ने बहुत कुछ सीखा। ही विंड्यू इन टू अ डीप फॉरेस्ट एंड लिव्ड अ लाइफ ऑफ ग्रेट ऑस्टेरिटी। वो एक घने जंगल में रहने लगे और अपना जीवन जो है वो कैसे बिताने लगे। ऑस्टेरिटी मतलब लिविंग अ लाइफ ऑफ वेरी हार्ड एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ईटिंग वेरी लिटिल। वो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन बिताने लगे। बहुत ही कम खाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, थोड़ा बहुत कुछ खा लेते थे। बिना खाए पिए वो अपनी तपस्या में लीन रहने लगे। सिद्धार्थ रियलाइज दैट कॉजिंग पेन टू वन्स बॉडी एंड मैनी हंगरी कुड नॉट टेक हिम नियर एनलाइटमेंट। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि एक व्यक्ति जो जिसकी बॉडी में दर्द हो, शरीर में दर्द हो, वो भूखा रह सके, वो कभी भी अपने सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। ही एक्सेप्टेड फूड फ्रॉम द विलेजर्स एंड कंटिन्यूड टू मेडिटेट। उन्होंने लोगों से, गांव के लोगों से भोजन को फिर से प्राप्त किया और अपने मेडिटेशन को फिर से स्टार्ट किया। फाइनली ऑन अ फुल मून नाइट इन समर, एक पूरी चांद की रात में गर्मियों में सिटिंग एंड मेडिटेटिंग अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे बैठ के और ध्यान लगा के सिद्धार्थ रिसीव इनलाइटमेंट। सिद्धार्थ ने अपने ट्रू नॉलेज, सच्चे ज्ञान को प्राप्त किया। ही बिकेम बुद्ध द इनलाइटेड वन। और वो क्या बन गए, बुद्ध बन गए, इनलाइटेड बंधन बंधन ज्ञान को देने वाले। द डे ऑफ इनलाइटमेंट इज नॉन एज बुद्ध पूर्णिमा। और जिस दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उसी दिन को हम लोग कहते हैं बुद्ध पूर्णिमा। द ट्री एंड द विच ही सैट इज नॉन एज बोधि ट्री। और जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे उसको कहते हैं बोधि ट्री। एंड द स्मॉल टाउन नियर बाई एज बुद्ध गया। और जो भी छोटा सा कस्बा उस पेड़ के पास में था उसको कहते हैं बुद्ध गया। द लॉर्ड बुद्ध कैप्ट हिज प्रॉमिस टू विभीषण। लॉर्ड बुद्ध ने अपने प्रॉमिस को जो विभीषण से किया था उसको पूरा किया। ही वेंट टू राजगृह और राजगृह गए एंड गेव सर्मन्स टू विभीषण एंड हिज पीपल। और उनको धार्मिक बातें बताई विभीषण को और वहाँ के लोगों को। विभीषण विजिटेड द वेणुवाना और द बंबू फॉरेस्ट फॉर एज डिसिप्लिन। जो विभीषण से उन्होंने वेणुवाना और एक बंबू के जंगल को उनको डिसिप्लिन के लिए प्रदान किया। गौतम बुद्ध प्रीस्ट फॉर ओवर 45 ईयर्स। गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने कितने 45 वर्षों तक उस ज्ञान को दिया लोगों को। हिज डॉक्ट्राइन स्प्रेड नॉट ओनली इन इंडिया बट आउटसाइड टू द ईस्ट एंड वेस्ट। उनका जो ज्ञान था वो ना केवल इंडिया में बल्कि बाहर भी और ईस्ट, पूरा पश्चिम,